पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों से उनके निजी उपकरणों से एमआरआई सहित अन्य कार्य कराने से परेशान कर्मचारियों ने मोर्चा खोला और जिला मुख्यालय जाकर प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें, कर्मचारियों से 9 से 10 हज़ार रुपये का वेतन देकर स्वयं का डाटा उपयोग करने के साथ साथ मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में कर्मियों ने प्रदर्शन करके शिकायत दर्ज कराते हुए समस्या निराकरण की बात कही। इस दौरान कर्मियों ने साधन संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करके चेतावनी दी। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन हमारे MRI के मुद्दे को लेकर दिया गया है। बिजली कंपनी द्वारा बिना संसाधन दिए हमारे निजी मोबाइलों से हमको MRI करने के लिए जिले में प्रेशर किया जा रहा है, जैसे सभी कर्मचारी दबाव में। इस कारण से हम माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। क्या समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमारे से काम लेना है MRI का, तो हमको संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। हमारे निजी मोबाइल से, हमारे निजी संसाधनों से हमारे से काम नहीं करवाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तो क्या आगे क्या कार्रवाई करोगे? इसके बाद भी हमारी समस्या नहीं हल होती और ज़्यादा प्रेशर आता है हमारे ऊपर, तो हम लोग हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण चौहान है, मध्य प्रदेश भारतीय विद्युत कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।